नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में आईपीएल का 56वां मुकाबला खेले जाने वाला है, और अगर आप भी इस मुकाबले की मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाकर अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सारे खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि फ्लॉप जाने वाला है और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि सबसे अच्छी परफॉर्म करेंगे, और इन सारे खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है, और साथ ही साथ इस पिच की रिपोर्ट भी बताने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इस पिच के ऊपर कौन से बॉलर इंपोर्टेंट होंगे, और इस मैच की मेगा ग्रैंड लीग की रिक्सी टीम भी बना के बताने वाला हूं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, लाइक का टारगेट सिर्फ 2000 का है और मुझे उम्मीद है आप सभी से 2000 लाइक तो पूरा करवा ही दोगे। तो भाई, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक का बटन दबाइए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। विकेट कीपर वाले सेक्शन में हमारे लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको जोस बटलर देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद संजू सैमसन देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद गुरबाज देखने को मिल जाएंगे, जगदीशन देखने को मिल जाएंगे, चार्लिस देखने को मिल जाएंगे, और के सिंह राठौड़ देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये सारे खिलाड़ी आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में मिलते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से हमारे लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी कौन सा है ये जानना काफी जरूरी है, और ये मैं आपको बताता हूँ। ऊपर यहाँ पे जोस बटलर की बात की जाए तो जोस बटलर का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले के अंदर काफी जबरदस्त आया था, मतलब ये हर मैच के अंदर चलने वाले खिलाड़ी है। तो भाई, पिछले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्म दिया था इन्होंने, और इस वाले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छा देने वाले हैं। तो भाई, आप चाहो तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जोस बटलर को रख सकते हो, और यहां पर आप चाहो तो संजू सैमसन को ड्रॉप आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि पिछला मुकाबला संजू सैमसन का भी काफी अच्छा गया था, लेकिन भाई उस टाइम सामने वाली टीम अलग थी, लेकिन अब जो टीम है वो अलग है। तो भाई, यहां पर शायद संजू सैमसन का विकेट जल्दी गिर सकता है। तो भाई, आप चाहो तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम से संजू सैमसन को भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी यहां पर गुरबाज की बात की जाए तो भाई, गुरबाज भी प्लेयर काफी जबरदस्त है, और आपको पता है कि इस आईपीएल के अंदर भी इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्म की है, और पिछले मुकाबले के अंदर भी इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, और इनका जो परफॉर्मेंस है वो इस वाले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर गुरबाज को भी लेने वाले हैं। बाकी नीचे के जो तीन खिलाड़ी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो यहाँ पर आप चाहो तो ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। इस वाले मैच के अंदर जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे ये दोनों प्लेयर होने वाले हैं, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इन दोनों प्लेयर को जरूर से रखना। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन से मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा खिलाड़ी आपके लिए इंपोर्टेंट होगा, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इन दोनों प्लेयर को लेके चल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो यहां पर आपको नितेश राणा देखने को मिल जाएंगे, यशस्वी जायसवाल देखने को मिल जाएंगे, वी अय्यर देखने को मिल जाएंगे, हेट मायर देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आओगे तो रिंकू सिंह देखने को मिल जाएंगे, जय रॉय देखने को मिल जाएंगे, पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, जय रूट देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद जरूर देखने को मिल जाएंगे, मनदीप देखने को मिल जाएंगे। यानी कि सारे खिलाड़ी हमको बैटिंग वाले सेक्शन में मिलते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से हमारे लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर यहाँ पर आपको एन राणा देखने को मिल जाएंगे, एन राणा का परफॉर्मेंस इस वाले मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छा आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि एन राणा बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर एन राणा को भी लेने वाला है, क्योंकि इस वाले मैच के अंदर इनकी बॉलिंग भी काफी अच्छी होने वाली है और बैटिंग भी काफी अच्छी होने वाली है, तो यहाँ पर हमारे लिए इनका भी ऑप्शन काफी बेस्ट है। बाकी इस वाले मैच के अंदर यशस्वी जायसवाल का ऑप्शन काफी जबरदस्त होने वाला है, और सबसे ज्यादा रन जो बनाने वाले हैं इस वाले मैच के अंदर वो बनाने वाले हैं यशस्वी जायसवाल। तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर यशस्वी जायसवाल को जरूर से लेना, क्योंकि आपको पता है कि पिछले मुकाबले के अंदर ये फ्लॉप हो गए थे, लेकिन अब की बार ये अच्छा खासा कमबैक भी करने वाले हैं। तो भाई, आपके लिए काफी जबरदस्त और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे यशस्वी जायसवाल, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको जरूर से लेना। बाकी यहाँ पर आपको वी अय्यर देखने को मिल जाएंगे, वी अय्यर इस वाले मैच के अंदर भी फ्लॉप जाने वाले हैं, तो आप इनको ड्रॉप आउट करके भी चल सकते हो। बाकी यहाँ पे हेट मायर की बात की जाए तो ये वैसे भी फ्लॉप चल रहे हैं इस आईपीएल के अंदर, तो हम इनको ड्रॉप आउट करके ही चलेंगे। बात की जाए रिंकू सिंह की तो भाई, प्लेयर ये भी काफी जबरदस्त है, डेथ ओवर में बैटिंग करने आते हैं और काफी अच्छी बैटिंग भी करते हैं, तो भाई हमारे लिए इनका भी ऑप्शन काफी बेस्ट होने वाला है, हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको भी लेके ही चलेंगे। बाकी आप आपको जे रॉय देखने को मिल जाएंगे, जे रॉय का भी ऑप्शन काफी बेस्ट होने वाला है, और ये भी परफेक्ट खिलाड़ी है, और जब भी इनकी बैटिंग आती है तो ये भी काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, तो भाई हमारे लिए इनका ऑप्शन भी काफी जबरदस्त है। यानी कि बैटिंग वाले सेक्शन में जो मेन खिलाड़ी है वो ये चार खिलाड़ी होने वाले हैं जो कि काफी जबरदस्त है, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इन चारों प्लेयर को जरूर से लेना। बाकी जितने भी नीचे के खिलाड़ी है ये वैसे भी इस वाले मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप इनको
चाहो तो ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। और यहाँ पे मैं पार्टिकल्स को भी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त आने वाला है, तो ज्यादातर जो ओवर है वो यही खेलेंगे, तो इसीलिए मैंने पार्टिकल्स को भी नहीं लिया है। बाकी जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है बैटिंग वाले सेक्शन में। तो अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आंद्रे रसेल देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद अश्विन देखने को मिल जाएंगे, शार्दुल ठाकुर देखने को मिल जाएंगे, सुनील नारायण देखने को मिल जाएंगे, जे होल्डर देखने को मिल जाएंगे, और नीचे होगे तो यहाँ पे विजा देखने को मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पे सुधाकर रॉय देखने को मिल जाएंगे, पराग देखने को मिल जाएंगे, फरेरा देखने को मिल जाएंगे, बाकी ये दो खिलाड़ी भी नीचे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आंद्रे रसेल की बात की जाए तो भाई इनका भी ऑप्शन काफी बेस्ट है और ये हर मैच के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करके आ रहे हैं, और भाई पिछले मुकाबले के अंदर भी आपने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने बैटिंग की है और इनकी बॉलिंग भी काफी अच्छी होती है और ये विकेटें भी निकाल देते हैं और अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो हमको इनसे काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाता है। तो हम अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर आंद्रे रसेल को भी लेके चलेंगे, आप भी चाहो तो लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे अश्विन की बात की जाए तो भाई अश्विन का भी परफॉर्मेंस इस वाले मैच के अंदर काफी अच्छा जाने वाला है क्योंकि आपको पता है कि ये वाला पिच वैसे भी स्पिनर को काफी अच्छा सपोर्ट भी करेगा, तो यहाँ पे शायद इस बार इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप भी चाहो तो अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर अश्विन को जरूर से लेना। बाकी इसके बाद यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को मैं ड्रॉप आउट करने वाला हूँ, जो परफॉर्मेंस वो इस वाले मैच के अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम इनको भी ड्रॉप आउट करके ही चलेंगे, सुनील नारायण को भी ड्रॉप आउट करके चलेंगे और होल्डर को भी ड्रॉप आउट करके ही चलेंगे। यानी कि जो तीन खिलाड़ी है इनका परफॉर्मेंस ज्यादा कुछ खास नहीं आएगा। बाकी नीचे होगी तो ये खिलाड़ी ऐसे है जो कि कभी खेल भी सकते हैं और कभी नहीं भी खेल सकते हैं, लेकिन इनमें से भी आपके लिए इन दोनों प्लेयर का ऑप्शन काफी बेस्ट रहेगा क्योंकि स्पिनर को वैसे भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो आप चाहो तो अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर इन दोनों प्लेयर में से जो भी प्लेयर खेलता है तो आप उस प्लेयर को यहाँ पर आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर लेके चल सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे किसी प्लेयर को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिलहाल मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी प्लेयर यहाँ पर नहीं खेलेगा, लेकिन खेलेगा तो मैं अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर जरूर से लूंगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए ऑलराउंडर वाले सेक्शन में जो दो प्लेयर इंपोर्टेंट है वो ये दोनों प्लेयर होने वाले हैं। बाकी मैंने ऑलराउंडर वाले सेक्शन से बेस्ट खिलाड़ी बताई दिया है जो कि इस वाले मैच के अंदर काफी अच्छे परफॉर्म करेंगे। बाकी अब मैं आपको बता देता हूं कि बॉलिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा। सबसे पहले तो यहां पर आपको ट्रेंट बोल्ट देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद युजवेंद्र चहल देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद चक्रवर्ती देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद टीम साउदी देखने को मिल जाएंगे, लोकी फर्गुसन देखने को मिल जाएंगे, अनिल जंपा देखने को मिल जाएंगे, एस शर्मा देखने को मिल जाएंगे, यू यादव देखने को मिल जाएंगे, एस शर्मा देखने को मिल जाएंगे, मोकी देखने को मिल जाएंगे, एन सीनी देखने को मिल जाएंगे, एच राणा देखने को मिल जाएंगे, बी अरोड़ा देखने को मिल जाएंगे, नीचे आपको के सेन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये नीचे के जितने भी खिलाड़ी हैं वो आपको इस वाले मैच के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ खिलाड़ी ही होंगे जो कि आपको काफी अच्छा परफॉर्म करके देंगे। अब वो कौन से खिलाड़ी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको युजवेंद्र चहल को लेना है, वो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्पिनर को काफी अच्छा टर्न भी मिलेगा और युजवेंद्र चहल के पिछले दो मुकाबले भी काफी जबरदस्त गए हैं और उन दोनों मैचों के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई युजवेंद्र चहल काफी अच्छी परफॉर्म करेंगे, आप जरूर लेके चलना, और भाई ऐसा ही हुआ था और इनका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त आया था। बाकी इसके बाद यहाँ पर आपको चक्रवर्ती देखने को मिल जाएंगे, इनका भी ऑप्शन काफी जबरदस्त होने वाला है, तो आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर इनको जरूर से लेना। बाकी यहाँ से मैं सारे खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करके एक खिलाड़ी लेने वाला हूँ और वो यहाँ पे एस शर्मा। एस शर्मा का परफॉर्मेंस इस वाले मैच के अंदर काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार का मुकाबला इनका कैसा रहा था, राजस्थान रॉयल यहाँ पे जीता हुआ मैच हारी थी, वो क्यों, क्योंकि आपको पता है क्योंकि एंड वाली जो बॉल है उसके अंदर फ्री हिट भी गया था, तो इसीलिए शायद काफी जबरदस्त वापसी कर सकते हैं यहाँ पे एस शर्मा। तो एस शर्मा का ऑप्शन काफी बेस्ट रहेगा, तो आप अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर चाहो तो एस शर्मा को जरूर से लेना। बाकी फिलहाल हमारी जो ग्रैंडली की टीम कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैंने दो खिलाड़ी को लिया है जिसके अंदर जोस बटलर है और गुरबाज है। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन से मैंने चार खिलाड़ी लिए हैं जिसके अंदर एन राणा है, यशस्वी जायसवाल और आर सिंह और जे रॉय है। ये चारों प्लेयर भी काफी अच्छी बैटिंग करने वाले हैं, तो भाई हमारे लिए इनका भी ऑप्शन काफी बेस्ट है, तो हम अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर इन चारों प्लेयर को लेके चलेंगे। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन से मैंने आंद्रे रसेल और अश्विन को इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है कि आंद्रे रसेल का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है पिछले रिसेंट के मैचों के अंदर, और मैंने अश्विन को इसलिए लिया है क्योंकि स्पिनर को काफी अच्छा हेल्प भी मिलेगा, तो शायद अश्विन भी हमको काफी अच्छी विकेटें निकाल के दे सकता है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने अश्विन को लिया है। बाकी बॉलिंग सेक्शन से मैंने तीन खिलाड़ी को लिया जिसके अंदर युजवेंद्र चहल और चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त आ रहा है, आपको पता है कि इस आईपीएल के अंदर काफी अच्छी धूम भी मचा रहे हैं। बाकी युजवेंद्र चहल को लेने का मतलब यही है कि भाई स्पिनर को काफी अच्छा टर्न भी मिलेगा और भाई इनकी फॉर्म भी काफी अच्छी चल रही है दो मैचों से, तो आप भी चाहो तो अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर इनको ले सकते हो। बाकी यहाँ पे एस शर्मा को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पिछले मुकाबले के अंदर थोड़ा सा लोचा हो गया, तो भाई इस वाले मुकाबले के अंदर काफी अच्छा कमबैक भी करेंगे, तो आप भी चाहो तो अपनी ग्रैंडली की टीम कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट
खिलाड़ी लिए हैं मैंने, और जो लॉजिक लगा के मैंने टीम बनाई है, ये लॉजिक लगा के आप भी टीम क्रिएट कर सकते हो। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन सारे खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। तो ऊपर यहाँ पर आपको यशस्वी जायसवाल मिल जाएंगे, इनको आप चाहो तो वॉइस कैप्टन क्रिएट कर सकते हो क्योंकि ये भी प्लेयर काफी जबरदस्त है। बाकी कैप्टन जो इस बार मैं क्रिएट करने वाला हूँ वो मैं गुरबाज को करने वाला हूँ, क्योंकि आपको बताइए कि गुरबाज का भी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। तो हमारे पहली टीम के सीवीसी कुछ इस तरीके से होने वाले हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप आईपीएल की तीन या चार टीमें बनाते हो इस मैच की, तो पहला जो कॉम्बिनेशन आप कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, और दूसरा कॉम्बिनेशन अगर आपको बनाना है तो भाई कैप्टन आप चक्रवर्ती को क्रिएट कर सकते हो, और वॉइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो भाई रसल को भी कर सकते हो। तो आपकी दूसरी टीम के अंदर सीवीसी कुछ इस तरीके से होने वाला है ये दोनों प्लेयर। बाकी अगर यहाँ पे तीसरी टीम बना रहे हो तो भाई एन राणा को आप कैप्टन क्रिएट कर सकते हो, और वॉइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल का भी ऑप्शन काफी जबरदस्त है। और ये जो तीसरी टीम का जो कॉम्बिनेशन है ये काफी जबरदस्त होने वाला है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये खिलाड़ी काफी जबरदस्त परफॉर्म करेंगे इस वाले मैच के अंदर। बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप ड्रीम इलेवन के ऊपर टोटल कितनी टीमें बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ लाइक का टारगेट जो दिया वो जरूर पूरा करना। तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।